Hello, children. How are you all? Hope you all are fine and hope you all are taking care of yourself. Right? Welcome to English grammar class. In our today's class, we will study from your English grammar text. So, open your English grammar text.

Of person, place, animal, thing, idea, etc. is noun. Okay. Jobi names, hai, name of a person, name of a place, name of thing. Okay. Name of animal. All these names are nouns. Ab. हमें इस चैप्टर में नाउंस बनाने हैं वी हैव टू मेक nouns फ्रॉम वर्ब्स ओके हमें वर्ब में से नाउन बनाना है सो वॉट इज वर्ब वर्ब इज एक्शन वर्ड ओके वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड वर्ब Tells us what the subject is doing, right? For example, play, run, sit, eat, etc., are verbs, right? To eat, to bake, to smell, to wait. So, all these are verbs so in this chapter we have to make nouns from verbs okay verbs are the action words the words which shows action okay some which shows what the noun is doing here we have to make noun from verb

अगर हम वर्ब के वर्ब में सफ़िक्स लगाए तो सफिक्स मीन्स द लेटर्स बिहाइंड द वर्ड ओके लेटर्स विच वी विल एड बिहाइंड द वर्ब योर द सफिक्स ई आर ओ आर एम ई एन टी आई ओ एन ऑल दिस आर सफिक्स सो वी कैन मेक नाउन फ्रॉम द वर्ब बाय एडिंग हमें प्लस करना है हमें एड करना है ओके बाय एडिंग ई आर ओ आर एम ई एन टी आई ओ एन ए टी आई ओ एन एट द एंड ऑफ द वर्ब्स वर्ब के वर्ब जहाँ ख़त्म होता है उस लेटर में हमें ये सफिक्स यानी ई आर ओ आर एम ई एन टी ये लगाना है तो फिर हमें क्या मिलेगा नाउन ओके सो हमें अगर नाउन बनाना है तो हमें वर्ब के पीछे ये सब लगाना पड़ेगा वी हैव टू एड ओके सो हियर बाय एडिंग ई आर और ओ आर ठीक है सो फर्स्ट वी आर टेकिंग ई आर और ओ आर ठीक है सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट कैन बी चेंजड इन टू नाउन्स यहाँ पर एक लिस्ट दिया है वी विल गो थ्रू द लिस्ट वी विल एड ई आर और ओ आर टू द वर्ड टू द वर्ब एंड नोट द चेंज इन द स्पेलिंग एंड इन सम केसेस ठीक है अगर हम वर्ब में ई आर या तो ओ आर यूज़ करेंगे तो हमारा नाउन बनेगा सो हियर दैट मीन्स इफ वी एड सफिक्स टू द वर्ब इफ वी एड समथिंग बिहाइंड वर्ब इट विल इट कैन चेंज इन टू नाउन राइट सो वी कैन सी दैट द ग्रामीटिकल फंक्शन विल चेंज ठीक है वर्ब विल चेंज इनटू नाउन सो लेट अस ग्रो थ्रू द लिस्ट लेट अस गो थ्रू दिस लिस्ट द फर्स्ट वर्ड इज एक्ट ओके एक्ट इज अ वर्ब एक्ट क्या है वर्ब है राइट right? एक्ट करते हैं एक्टिंग जो होता है ना जो हीरो एक्टिंग करते हैं मूवी में सो एक्ट इज़ द वर्ब इट इज़ एक्शन सो इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस वर्ब इन टू नाउन वी विल एट ओ आर बिहाइंड इट हमें अगर इस वर्ब को नाउन बनाना है इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ब इन टू नाउन वी विल ऐट ओ आर ओके एक्टर के okay, इस स्पेलिंग में हमने ओ आर डाला ए सी टी के पीछे हमने ओ आर एड किया प्लस किया तो हमें क्या मिला ए सी टी ओ आर यानी एक्टर नाउ एक्टर मीन्स हीरो हीरोइन या जो एक्टिंग करते हैं ओके टी वी सीरियल्स में मूवीज में शॉर्ट फिल्म में वीडियोज में सो ऑल दिस द पर्सन हु एक्ट इज एक्टर ओके सो सेकेंड वर्ड इज बेक बेक मीन्स अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग ओके हम कुकिंग में बेक करते हैं वॉट डू वी बेक वी बेक अ केक ठीक है वॉट ऑल थिंग्स वी बेक वी बेक केक कपकेक्स टोस्ट ओके ब्रेड ऑल दिस थिंग्स आर बेक्ड ओके ओवन में बेक होता है सो दिस इज अ प्रोसेस अ मेथड इट इज अ एक्शन सो जब हम बेक के पीछे ई आर लगाएंगे ओके वी विल एड ई आर सो इट विल बिकम बेकर द पर्सन हु बेक्स इज अ बेकर नाउ वी नो दैट देर आर लॉर्ड्स मैनी बेकरी शॉप्स देर आर लॉर्ड्स ऑफ बेकरी शॉप्स जहाँ पर हमें पेस्ट्री केक सब मिलता है है ना तो so, वो सब क्या है बेकरी शॉप्स है जहाँ पर बेक्ड आइटम मिलती है बेक किया हुआ आइटम मिलता है राइ लाइक केक पेस्ट्री ब्रेड पॉफ ओके सो ऑल दिस आर बेग्ड बाय द बेकर ये सब चीजें बेक किया जाता है ओके दिस ऑल आर बेक्ड बाय द बेकर बेकर बी ए के ई आर इज अ पर्सन हु बेक्स ओके नाउ द थर्ड वर्ड इज बैर बैर मींस टू हैव ओके टू हैव दैट So, the one who is having that person is known as bearer. Okay. If I am having something, I am bearing something. Okay. So, that is bear. And the one who is bearing is a bearer. Now, buy. Buy means to purchase. Okay. Buy ka matlab kuch kharidna. So, the person who buys is a buyer. इन सब में हम ई ER आर या ओ आर लगा रहे हैं है ना बोरो मीन्स द एक्शन ऑफ टेकिंग समथिंग ठीक है जब हमारे पास पेंसिल नहीं होती है तो हम अपने नेबर अपने बेंच पार्टनर से पेंसिल क्या करते हैं बोरो कि आज मुझे पेंसिल में भूल गया हूँ प्लीज़ मुझे लिखने के लिए दो सो वी बोरो हम क्या करते हैं बोरो करते हैं ओके आई विल रिटर्न यू लेटर ऑन वर्ड्स मैं आपको बाद में दे दूंगा सो वी आर बोरोइंग ओके हम क्या कर रहे हैं बोरो कर रहे हैं सो द पर्सन हु इज़ बोरोइंग इज बोरो ओके सो द वन हु इज़ टेकिंग फॉर यूजिंग इज अ बोरोवर नाउ बिल्ड बिल्ड मींस टू मेक ओके मेक समथिंग सो कंस्ट्रक्ट समथिंग सो बिल्ट इज द वर्ब एंड बिल्डर इज द पर्सन हु बिल्ड्स ठीक है बिल्डर बिल्डर क्या बनाते हैं बिल्डिंग्स राइट आई होप यू माइट बी वॉचिंग बॉब द बिल्डर ओके Bob the builder is a cartoon of builder named Bob right so bob is the builder the person okay is a builder builder means a person who has an occupation of construction of buildings now create create is a verb right create ka matlab kuch banana ओके टू मेक समथिंग सो द वन हु इज मेकिंग समिंग इज क्रिएटिंग समथिंग एंड ही इज द क्रिएटर वो क्या है क्रिएटर है कंडक्ट कंडक्ट मीन्स अ पर्सन हू इज कंडक्टिंग समथिंग ठीक है सो One who is conducting, who is handling, is conductor. Okay, he is the conductor. Direct, direct means it is an action. Okay, to direct, आपको direction मिलती है, right? आपको guidelines मिलती है, है ना? आपको सिखाया जाता है तो द वन हु इज डायरेक्टिंग यू इज द डायरेक्टर ओके योर वी विल ऐड ओ आर राइट नाउ एडिट एडिट मीन्स अ पर्सन हु इज एडिटिंग समथिंग एडिट यानी चेंजेस करना सो दिस इज एक्शन कुछ चेंज करना ओके so that is an action and the person who is doing this is editor now grind grind means to crush okay kuch pisna. okay we will grind something Okay, grind into a thin paste ओके पतला पेस्ट बनाना है ओके सो इफ वी विल ग्राइंड टोमेटो व्हाट विल बिकम इट विल बिकम टोमेटो प्योरी इफ वी ग्राइंड ऑरेंजेस इट विल बिकम ऑरेंज जूस तो ग्राइंड मतलब उसको पीसना मिक्स करना ब्लेंड करना सो दैट इज ग्राइंडिंग इट इज़ अ प्रोसेस इट इज़ अ वर्ब and the machine which is grinding is grinder now invent invent means to make something okay to find and to make something so that is invent now the invent means to make and inventor is the person who is the maker now kill. Kill means an action of killing. Okay, kill. So killer means a person who is killing. So a person means the noun and we will add the suffix er. Okay. Now lead. The one who is leading. Okay. The one who is leading. So the person who leads is the leader. Okay. सेल सेल ओके शिप सेल्स राइट शिप है वो पानी में रहती है तैरती है सेल करती है सो द सेल इज अ एक्शन एंड द वन हु सेल्स द बोट इज द सेलर यूर यू विल एड ओ आर बिहाइंड द स्पेलिंग बिहाइंड द वर्ब सेल स्विम स्विम इज ऑल्सो एक्शन Hena, swim is action now the person who swims is swimmer so we'll add ER okay now speak speak means now right now I am speaking okay and you all are listening so I am the speaker speaker and you are the listener the person who is speaking is the speaker and the person who listens is the listener we will add er right now travel travel means to move from one place to another ओके वी ट्रैवल ना फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा फ्रॉम भावनगर टू अहमदाबाद फ्रॉम भावनगर टू सूरत सो वी ट्रैवल एंड व्हेन वी आर ट्रैवलिंग वी आर अ ट्रैवलर। जब हम ट्रैवल करते हैं तब हम ट्रैवलर है। सो विल एड ई आर टू द स्पेलिंग ऑफ

okay it can be a park visitor can go to visit a park visitor can go to visit someone now the last word is wait wait means to wait right In karna so that is noun that is verb and the one who waits is a waiter okay here we know that who is the waiter, the one who waits in the hotel, who waits for us when we are giving the order, who notes down the order. Right, so he is a waiter. A list of nouns made by adding M E N T. अभी वर्ब में जब हम एम ई एन टी लगाते हैं तब भी नाउन बनता है ठीक है दिस आर ऑल द मेथड्स टू मेक द नाउन फ्रॉम वर्ब सो इफ वी हैड एम ई एन टी टू वर्ब नाउन्स आर फॉर्म्ड सो हमें याद रखना है कि कौन सा सफिक्स हम कौन से वर्ब में लगाएंगे वर्ब के पीछे कौन सा सफिक्स लगेगा विच सफिक्स विल बी सूटेबल दैट यू हैव टू लर्न सो योर एडवरटाइज एडवरटाइज मीन्स टू मीन्स टू से समथिंग गुड अबाउट सम वन और सम प्रोडक्ट ओके ऑफन वी सी सच एड्स इन द टी वी जब हम टीवी देखते हैं तब बीच में ब्रेक आता है सो इन दैट ब्रेक देर आर वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारी एडवरटाइजमेंट आती है सो so, वो क्या है एडवर्टाइज़ करना और उसका नाउन क्या बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट। ओके सो ए डी वी ई आर टी आई एस ई वो नाउन है हमें क्या करना है पीछे एम ई एन टी वो जोड़ना है दैट वी हैव टू एड टू मेक इट अउन सो अचीव अचीव मीन्स टू रिसीव समथिंग टू गेट समथिंग विथ हार्डवर्क सो वेन वी गेट समथिंग सो वी अचीव समथिंग दैट इज़ आवर अचीवमेंट Now arrange, arrange is also a verb. Okay, so when we add ment, it becomes noun. Okay, arrange, arrangement. Encourage, encouragement. Encourage means to motivate, right? प्रोत्साहन देना अच्छा बोलना उनकी तारीफ करना एन्जॉय एन्जॉय एन्जॉयमेंट एम ई एन टी वी आर एडिंग एम ई एन टी गवन गवर्मेंट इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट न वॉट इज इन्वेस्ट Invest means when we save some money, we invest it. जब हम बचत करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेस मनी होती है जो हमें बहुत ज़रूरी नहीं होती है विच इज़ नॉट नीडेड फॉर अस वी सेव दैट मनी एंड वी इन्वेस्ट उसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ओके okay? Now move. Move means to go from one place to another or to do something. Okay. And the movement is the noun. Here we are adding M E N T. Imprison. Imprisonment. Imprisonment means jail. Okay.

ओके बाय एडिंग आई यू एन वेन वी एड आई यू एन टू द वर्ब इट ऑल्सो मेक्स द नाउन ओके एक्ट एक्शन एट्रैक्ट एट्रेक्शन सो ऑल दिस नाउंस आर एब्सटेक नाउन एब्सटेक नाउन क्या होता है एब्सटेक नाउन आर द नाउन्स विच आर नॉट टच्ड which can't be touched or seen but it can be felt now we can't touch the uh, attraction okay we can just feel the attraction so the noun which can be felt are abstract noun collect collection correct correction defect defection Inspect, inspection. Invent, invention. So, when we are adding ION to the verb, we can make the noun. Object means something. Objection. Prevent, prevention. Protect, protection. Reflect, reflection. Reject, rejection. Here in all these spellings, we are just adding ION. Okay, select, selection. Subtract, subtraction. नाउन नंबर फोर्थ इज द लेस्ट इन विच वी विल एड ए टी आई ओ एन यानि एशन ओके okay, एशियन जिसका प्रोनाउंस क्या होता है एशन कैंसल द फर्स्ट वर्ड इज कैंसल इट इज एक्शन ऑफ कैंसलिंग सो द नाउन इज कैंसलेशन Cancelation. T I O N is Shun. Cancelation. Declare. Declaration. Declare means to announce. Okay. Explain. Explanation. Now, what I am giving you? I am giving you the explanation of the chapter. Right? Explore. Exploration. Imagine, imagination. Imitate, imitate means to copy, which is a verb. So, imitation, imitation means copied, copied thing, right? So, imitation. Inform, inform means to convey the message, okay? To give some information. So, Inform, information. Invite, invitation. Invite is the verb. Invitation is the noun. Here we have added A T I O N. Asian. Tempt, temptation. Translate, translation. Here we have added A T I O N in this. दिस वर्ब्स नाउ यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज ओके द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टू मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब्स बाय एडिंग दिस ऑल ओके हमने पढ़ा है कि हमें कौन से शब्द में क्या लगाना है सो वी विल मेक द नाउन फ्रॉम द वर्ब द फर्स्ट इज स्टेट अभी स्टेट तो स्टेट के साथ कौन सा लग सकता है कौन सा सूटेबल है फर्स्ट वन इज एम ई एन टी मैंट सो स्टेट के साथ अगर हम एम ई एन टी लगाएंगे तो क्या बनेगा वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज अउन राइट इट इज अंटेंस सो स्टेटमेंट यहाँ पर लगेगा एस टी ए टी ई एम ई एन टी स्टेटमेंट ओके सेकेंड इज प्रमोट प्रमोट यानी अपलिफ्ट up, होना एक एक लेवल से दूसरे ऊपर की लेवल तक पहुंचना सो प्रमोट मीन्स टू गो इन अ हायर पोस्ट सो प्रमोट का होगा प्रमोशन ओके प्रमोशन में क्या लगेगा आई ओ एन ओके सो वी विल एड आई ओ एन बट वी विल रिमूव द लास्ट ई बिकॉज इट इज क्रिएटिंग द डुअल साउंड

T I O N. Resignation. Plant. Plantation. Okay. So, different words are given. Decorate. Decoration. So, different words are given in which you have to add the suitable suffix from the bracket. Now, we will discuss exercise B.

और उसके बाद वो नाउन आपको सेंटेंस में लिखना है इसीलिए पहले आपको सेंटेंस रीड करना है फिर क्लू बॉक्स में से आपको सूटेबल वर्ब में से नाउन बनाना है राइट सो लेटेस्ट टेक द एग्जांपल देर वाज नो डैश

राइट right. अरेंजमेंट क्या नहीं होगा वाटर का अरेंजमेंट सो वी विल राइट अरेंज प्लस एमी एंटी वी विल मेक इट अ नाउन अरेंजमेंट द सेकेंड वन इज आई कैन नॉट कम मैं नहीं आ सकती बिकॉज आई हैव एन डैश क्योंकि आई हैव एंड Invitation. I cannot come. I have an invitation. Now, third, we got the dash for the marriage very late. We got the dash for the marriage very late. So, here the word is given. सबट्रैक्ट एम्प्लॉय एक्ट कैलक्यूलेट रिजाइन इन वाइट रिफ्लेक्ट एंगेज आग यू अरेंज सो यर द वर्ड विल बिकम एंगेजमेंट क्या हो जाएगा एंगेजमेंट आप जाते हो ना एंगेजमेंट सेरोमनी में डू यू गो इन एंगेजमेंट सेरोमनी राइट ना सो योर इट विल बिकम एंगेजमेंट राहुल सम वॉज रोंग राहुल का सम रॉन्ग था ही मेड अ मिस्टेक इन अभी सम में हम क्या करते हैं मैथ्स में कैलकुलेशन है ना तो कैलकुलेट का हमें क्या बनाना पड़ेगा कैलक्यूलेशन ओके चिल्ड्रन होप आपको समझ में आया कि कैसे सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ओके okay, एंड आपको एक्सरसाइज वेरीफाई करनी है विद द की विच आई विल सेंड यू और आपको एक्सरसाइज साब सारी वर्कबुक में सारी एक्सरसाइज पेंसिल से ही सॉल्व करनी है ओके यू डोंट हैव टू यूज़ पेन इन द एक्सरसाइज ओके चिल्ड्रन बाय टेक केयर